अगर मैं रुक गया तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। खुद नहीं जानता कि क्या कर बैठूंगा। देवगन की फिल्म मैदान होगी उनकी करियर की बेस्ट फिल्म। इस बारे में निर्माताओं ने क्या कहा, क्या होने वाली है अजय देवगन की फिल्म की खास बातें और कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मैदान की शूटिंग जारी है। इस फिल्म को 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने मैदान पर खुलकर बात की और कहा कि यह अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है, जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में निर्माता बोनी कपूर ने कहा, लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है, लेकिन ये मई अंत तक जाएगी, क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं निर्माता ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैदान पर बात करते हुए निर्देशक अमित शर्मा ने कहा कि इस फिल्म के लिए हमें एक ऐसे फुटबॉलर्स की ज़रूरत थी जो अभिनय भी कर सके, ना कि ऐसे एक्टर जो फुटबॉल खेलने का नाटक कर सके। मुझे लगता है जो मैंने चाहा था मुझे वैसे ही खिलाड़ी मिले। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की अजय सर के बारे में। उन्होंने कहा कि अजय ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को ज़रूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया, बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी। मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। बिल्कुल सही बात कही, अजय देवगन जो भी फिल्म करते हैं उसमें अपना 101% देते हैं, इसीलिए उभर कर आती है। आपको बता दें, इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो जैसी फिल्म के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा। तो बेहतरीन जुगलबंदी इसमें देखने को मिलेगी। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया था। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की खूबी थी, इसी का फ़ायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई कप जीते, कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा। 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक भी। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।